अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फाइवर की एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो मोबाइल पे हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने ब्राउज़र ओपन किया और फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग को सर्च किया। हमारे सामने पहले जो आ रही है ये वाली नहीं है, आपने जो फाइवर की ऑफिशियल है उस पर आपने क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। हमने स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक किया तो जैसे हमने पीसी और लैपटॉप पे इनका फॉर्म फिल किया था साइन अप, वही अब हमने दोबारा करना है। ये मैं फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम इधर हमने एंटर करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस। तो ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस किया, फिर उसके बाद यूज़र नेम। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया यूज़र नेम हमारा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा वर्ड ज़्यादा कर लें तो मैं अपना यूज़र नेम रख लेता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पासवर्ड। पासवर्ड आप लोग को बताया था, ये भी आप लोग का 6 करेक्टर और लेटर्स जो है, यानी राउंड अबाउट आप लोग तकरीबन 10 जो है लेटर्स वो यूज़ कर लें। ये मैंने यूज़ कर लिए और यहाँ पे मैं कंफर्म पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसके बाद अकाउंट टाइप प्राइवेट, अगर आप लोग अकेले ही कर रहे हैं तो प्राइवेट कर लें। और उसके बाद वो ट्रैफिक की कोई मेन सोर्स, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यस कर दे, मैंने नो कर दिया। अब हम इधर से अपनी करंट कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ ये, और इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट कर दें। स्काइप एंटर करने की ज़रूरत नहीं। अब वो पूछ रहे हैं कि जो ट्रैफिक की सोर्स है वो आप कहाँ से लाएंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ ब्लॉग, एफिलिएट नेटवर्क, सारा कुछ। और उसके बाद बता रहे हैं आप किस चीज़ को आगे एफिलिएट किस चीज़ पे करेंगे, किस पोस्ट को शेयर करेंगे। तो मैं आल फाइवर सर्विस इसको कर देता हूँ एग्री और अब कंटिन्यू। देखिए ये हमारा जो फाइवर के एफिलिएट अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आगे डैशबोर्ड पे चलते हैं हम इसके। ये लॉगिन आ गया और आपने इधर यूज़र नेम अपना लिखना है, ईमेल नहीं लिखना। जो यूज़र नेम रखा होगा वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो इजीली आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई एरर आपको नहीं आएगा। जैसे आपको पीसी में आ रहा था उस तरह का कोई एरर आपको यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ से जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन उन्होंने आप एग्री कर ली, हमारे सामने इनका डैशबोर्ड है। अब हम चलते हैं लिंक, जो आप कहते हैं कि मोबाइल पर किस तरह लिंक पेस्ट होता है वो बता दें। तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं अपने लिंक वाली सेशन पे। ये देखिए, ये हमारे पास अभी सारे फाइवर के जो लिंक है वो आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से सिंपल फाइवर की वेबसाइट को ऑन करता हूँ जहाँ से हम सर्विसेज परचेज करते हैं। ये ओपन होगी हमारी वेबसाइट, मेरे पास ऐप इंस्टॉल है तो ये मुझे ऐप पे ले आएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे सामने इनकी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आ रही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने कोई भी एक सर्विस को पिक किया, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक सर्विस है क्रिएट कस्टम लोगो, ठीक है। अब इसके मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। ये ऊपर हमारे सामने लिंक का ऑप्शन है, लिंक को हमने कॉपी किया, शेयर करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे। उसके बाद अपने एफिलिएट प्रोग्राम में आ जाएंगे आप लोग डैशबोर्ड में, यहाँ पे LP URL में इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है लिंक वो जनरेट हो गया है एफिलिएट का, ठीक है। ये जो नीचे जितने भी लिंक आ रही है हमारे लिंक सारे जनरेट हो गया। मैं दोबारा आपको करके दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने लिंक को इधर पेस्ट किया और इसके लास्ट वर्ड आप देखें। अगर आप लोग को लगे कि ये नहीं पेस्ट हुआ तो ये चेक कर लें, 128 AC, यही सेम हमारे इधर लास्ट वर्ड आ रहे हैं, यानी हमारा लिंक जो है वो एफिलिएट के लिए तैयार हो चुका है। ये सिंपली डैशबोर्ड, बाकी आपको सारा कुछ मैंने